ऑनलाइन दोज हुआर अटेंडिंग द क्लास ऑनलाइन, आपको कुछ भी डाउट्स है कुछ है तो डू अनम्यूट योर माइक्स एंड आस्क. आई वुड प्रेफर लेस द यूज ऑफ चैट सेक्शन, मोर द यूज ऑफ माइक. आपको कुछ भी है तो आप माइक पे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है. सो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? व्हाट इज मोशन? बोलिए. मोशन इज मूवमेंट. तो बेसिकली क्या होता है, कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से शुरू करके यहां तक के मूव कर रहा है, तो इसको एनालिसिस, जो इसका मूवमेंट का एनालिसिस, इसका जो एनालिसिस है, इसको ये हम लोग पढ़ते हैं मोशन में, ठीक है. कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको एनालाइज करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं, जो हमको उस मोशन के बारे में समझाता है कि मोशन किस तरीके का है, कि मोशन फास्ट है, स्लो है, कैसा है ये मोशन, यानी बेसिकली उस मोशन के बारे में हमें बताता है. तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हम लोग स्टडी करते हैं जिससे हमको उस मोशन के बारे में डिटेल्ड आइडिया लगती है. तो वो फैक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है. इस चैप्टर में हम लोग वो फैक्टर्स पढ़ेंगे कि भाई कोई चीज़ यहाँ से यहाँ गई, उसको एक घंटा लगा, उसको दो घंटा लगा, कितना टाइम लगा, उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, कितना फास्ट जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है, स्पीड कितनी फास्ट बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है. तो बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन या मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी, ये हमारा इस चैप्टर का क्या है, फोकस है, ठीक है. तो अब बेसिकली द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? जस्ट बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस, एक कॉमन इंस्ट्रक्शंस में देना भूल गया था. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल गिव यू टाइम टू राइट ऑल ऑफ द कंटेंट दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आप में से कोई भी पेन हाथ में नहीं रहेगा, कोई भी नहीं लिखेगा, पेन नीचे रख दीजिए. जब मेरा पढ़ाना हो जाएगा या बीच में मैं टाइम दूंगा कि अब आप लोग नोट कर लीजिए, तब आप लोग अपना नोट कर सकते हैं फटाफट करके. तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब फोकस ऑन व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, फोकस ऑन दैट, तो आपको समझने में ईजी रहेगा. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज आपके बुक्स वगैरह के बारे में, अगर नोटबुक्स के बारे में बात करें तो यू नीड टू मेक वन नोटबुक फॉर फिजिक्स क्लास वर्क एंड वन नोटबुक फॉर फिजिक्स होमवर्क, एंड द सेम विल गो फॉर केमिस्ट्री, सेम विल गो फॉर बायोलॉजी एंड सेम विल गो फॉर मैथ्स. तो आपके यहाँ पे साइंस के दो बुक्स नहीं, यानी साइंस की एक बुक नहीं बनेगी, फिजिक्स की अलग नोटबुक बनेगी, केमिस्ट्री की अलग नोटबुक बनेगी और बायो की अलग नोटबुक बनेगी. आप लोगों का एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो जो होना शुरू होगा वो आपका जून से जब रेगुलर क्लासेस रिज्यूम होगी तब से होगा. अभी जो है एक फिक्स टाइम टेबल, इन द सेंस ऑल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी स्टार्टिंग राइट नाउ, अभी हम एक या दो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे. तो अभी बेसिकली नेक्स्ट थ्री डेज वी आर गोइंग टू डू फिजिक्स, उसके नेक्स्ट थ्री डेज के बाद क्या रहेगा मैं वेडनेसडे को बता दूंगा, और बाकी रेगुलर टाइम टेबल्स फिर आपका रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी तब आपका ऐप वगैरह पे आ जाएंगे. अभी हमारे संडे के टाइम टेबल्स भी नहीं रहेंगे अलग से, सैटरडेज को एक्स्ट्रा क्लासेस जो रहती है वो भी अभी कुछ भी नहीं रहेगा. अभी जितने भी समय हैं हम लोग मंडे टू सैटरडे मिलेंगे 5 to 6, ठीक है ना. तो टाइमिंग्स का कन्फ्यूजन नहीं रहे तो इसके लिए वो मैं पहले ही बता दिया है. बुक्स वुक्स कैसे बनानी है वो बता दिया है. होमवर्क की एक अलग नोटबुक बनानी है, क्लास वर्क की एक अलग नोटबुक बनानी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी चारों भी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है. चलिए बहुत ही बढ़िया. सो विल कम बैक टू दिस थिंग विच इज़ फिजिकल क्वांटिटी. तो व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है बेसिकली? ये अभी वैसे आप लोगों की टेक्स्ट बुक में, सीबीएसई में नहीं है, बट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है. ये वो सारी क्वांटिटीज है जिसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे फिजिक्स में. इसी चैप्टर में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तो फोर्स, एनर्जी, पावर, वर्क, ये सब पढ़ेंगे. तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है. तो व्हाट इज एग्जैक्टली अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है. तो क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, तो आप बोलेंगे सर मीनिंग क्या है, मेजर कर सकते हैं इसका? तो बेसिकली आपका मास, आपका वजन, तो आप गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई आपका वजन 40 kgs है, 50 kgs है, 56 kgs है. तो आप एक नंबर उसको डिनोट कर सकते हैं, आप उसको गिन के क्वांटिफाई कर सकते हैं. तो ऐसी क्वांटिटीज हो गई फिजिकल क्वांटिटीज. जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते वो क्या हो जाएगी, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती है. जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी क्वांटिटीज, बैठो ना बेटा, वहाँ पे सर को ना बेटा,
एयर क्वांटिटी नहीं है, एयर तो एक ऑब्जेक्ट मटेरियल, एक मैटर है एयर, ठीक है, एक मिक्सचर है एयर, तो कोई क्वांटिटी नहीं है जो मेजर कर सकते नहीं कर सकते हैं। जैसे हेट्रेड, हेट्रेड क्या है, एक लव, हेट्रेड, फ्रेंडशिप, ये जो चीज है इनको क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम बोलते हैं कि आई हेट हिम वेरी मच, तो दैट यू डू नॉट हैव दैट क्वांटम कि 10 यूनिट हेट करते हैं, 9 यूनिट हेट करते हैं, कि 5 यूनिट हेट करते हैं, इसको 10 यूनिट हेट करते हैं, इससे 5 यूनिट का झगड़ा है, इससे 2 यूनिट का झगड़ा है, ऐसे क्वांटम है क्या? डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज में आएगा क्या? नहीं। जो चीजें जिनको डिफाइन कर सकते हैं, गिन सकते हैं प्रॉपरली, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम फिजिक्स में जो पढ़ते हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, मास, वेट, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? Yes, सबको? Yes, अब फिजिकल क्वांटिटीज में भी दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज। सो व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर है क्या? तो क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल जो है इसका सबसे कॉमन, सबसे सिंपल स्वीट सा एग्जाम्पल होता है मास। आप वजन कांटे पे खड़े हैं, वजन कांटे पे आप खड़े हैं, आपको वजन कांटे ने रीड किया कि भाई आपका मास 42 kg है, तो क्या उसको डायरेक्शन है? 42 kg नॉर्थ में है, साउथ में देखेंगे तो 43 हो जाएगा, ऐसा है क्या? सीधा खड़ा किया आपको, उल्टा खड़ा करेंगे तो बढ़ जाएगा मास या कम हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं। तो डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है, तो ऐसी चीजें जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और कुछ क्वांटिटीज होती है जिसमें डायरेक्शन मैटर करती है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो क्वांटिटी दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। इसका सबसे कॉमन स्टैंडर्ड एग्जाम्पल इज फोर्स। तो फोर्स में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला आपको मैंने धक्का दिया 10 न्यूटन से, तो किस तरह धक्का दिया? आगे से पीछे दिया तो आप पीछे जाओगे, ऐसे दिया तो साइड में जाओगे, ऐसे दिया तो आप इस साइड में जाओगे, तो किधर धक्का दिया वो डायरेक्शन क्या है इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया उससे समझ में नहीं आएगा कहाँ फोर्स लगाया, ऊपर लगाया, नीचे लगाया, साइड में लगाया, आगे लगाया, पीछे लगाया, ये हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इसके आगे हम लोग जाके जो भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सभी क्वांटिटीज, क्या ये स्केलर है या क्या ये वेक्टर है। क्लियर है क्या? Yes, सबको? Yes, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, बहुत ही अच्छा। अब हम लोग शुरुआत करेंगे वापस मोशन की। तो मोशन को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए, सबसे पहले हम लोग पहली टर्म डिफाइन करते हैं डिस्टेंस। तो व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द
लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. सो इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. तो किसी ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल पाथ लेंथ कितना कवर किया, उस पाथ लेंथ का मेजर क्या होता है, इट इज डिस्टेंस. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ से शुरू किया, आपने यहाँ से शिखर से आप निकले और आप घूमते घूमते कहीं तो भी डोलते हुए बढ़िया आप अपने घर पे पहुंचे. ठीक है, तो बेसिकली जब डिस्टेंस मेजर करना है तब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ये जो एक्चुअल में कर्व सारी लेंथ को जोड़ते जाएंगे और ये सारी लेंथ का जोड़ के जो लेंथ आएगी वो हमारी इट विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड. सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड, दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. क्लियर है क्या सबको? तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड और द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. क्लियर है? डिस्टेंस ओवर हियर इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं रहता कि ये डायरेक्शन में ट्रैवल किया, किसी भी डायरेक्शन में रहे हम सीधा सीधा ऐड करते हैं. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसका जो SI यूनिट है, व्हाट डू मीन बाय SI यूनिट? तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, लॉन्ग बैक साइंटिस्ट्स सेट अप अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स. वही यूनिट्स हम हर जगह फॉलो करते हैं. आजकल कहीं पे भी साइंटिफिक लिटरेचर में देखोगे तो हमेशा एक स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉलो किए जाते हैं. कुछ समय पहले देखते थे तो हमारे यहाँ पे यूनिट्स लेंथ वगैरह के यूज़ होते थे, फीट. ठीक है, फीट में यूज़ करते थे लेंथ हम लोग. आपकी हाइट भी आजकल बहुत जन, अभी भी हाइट बहुत जन फीट में ही गिनते हैं कि भाई 5 फुट 10 इंच है, 5 फीट 8 इंच है, 5 फीट 5 इंच है, तो वो फीट में गिनते हैं. फीट स्टैंडर्ड यूनिट है क्या? नहीं. बेसिकली क्या हुआ, हर जगह के यूनिट्स बहुत सारे सभी रीजन्स के अलग अलग थे. तो बेसिकली व्हाट दे डिड वाज, साइंटिस्ट्स ने क्या किया, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स सेट किया. उस स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोगों ने बेसिकली जो डिस्टेंस है उसको, उसका जो SI यूनिट हमने बोला, उस डिस्टेंस का हमने SI यूनिट बोला मीटर. सो द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर्स. क्लियर है? तो SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर्स. तो नाउ यू नो व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज इट्स SI यूनिट. क्लियर है? बहुत ही बढ़िया. अब डिस्टेंस को और अच्छे से समझें, उसके पहले ही उसके साथ साथ डिस्टेंस का एक भाई आता है जो है डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द लेंथ ऑफ the shortest path, length of the shortest path या length of the straight line joining initial and final. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में क्लासरूम में थे, अब आपको क्लासरूम में पढ़ने की इच्छा हुई नहीं, बोर हो रहे थे आप लोग, तो बोर हुए थे टाइम पास करने के लिए बोले चलो घूम के आते, वॉशरूम जाने के लिए निकले. तो वॉशरूम जाने के लिए निकले आप, पूरा कॉरिडोर में घूम के यहाँ वहाँ सब आपके फ्रेंड वेंड सबके क्लास के बाहर घूम घुमा के फाइनली यू रीच द वॉशरूम. तो जब आपने ये इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना सारा पाथ कवर किया, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये जो पूरी ऑरेंज लाइन है, इस पूरे ऑरेंज लाइन का लेंथ जो है सब मिला जुला के, पूरी लेंथ मिला के क्या है, डिस्टेंस. बट वहीं पे अगर मुझे किसी ने डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया ना, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही सिंपल सा है, यहां से शुरू किया यहां पहुंच गया,
यहां से यहां एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन बना दो। इस सीधी लाइन की जो भी लंबाई रहेगी इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द डिस्टेंस। तो ये जो है हमारा ये डिस्टेंस है और ये जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है क्या? एसआई यूनिट, SI unit here is also still meters. और displacement is a vector quantity. Displacement को क्या है? Direction है. Displacement ऐसा नहीं है कि direction नहीं है. Displacement को एक direction है किस तरफ, जैसे यहां से जो displacement हुआ वो इस तरफ हुआ, ये direction कौन सा है? East. या तो राइट बोल दो नहीं तो सीधा ईस्ट बोल सकते कि भाई यहां से यहां मान लो 50 मीटर्स है तो 50 मीटर्स टू द ईस्ट। ठीक है, तो उस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं? डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, देते हैं, साथ में डिस्टेंस को वो देते हैं क्या? नहीं, डिस्टेंस में ये नहीं बोला जाता कि 50 मीटर्स ईस्ट ट्रैवल किया या साउथ किया कि नॉर्थ, कुछ आगे किया है कुछ पीछे किया, अलग अलग किया हुआ है, तो डिस्टेंस में कोई भी ये नहीं है। क्लियर है क्या सबको? ऐसा बोला जाता है कि डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। सो पाथ डिपेंडेंट का क्या मीनिंग है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहां से आपने स्टार्ट किया, आप घूम फिर के यहां एंड कर रहे हैं, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस पूरे पाथ की लेंथ। बट किसी और ने शुरू किया यहीं से और वो ऐसे कैसे तो भी घूम के यहां पहुंचा, तो इसके लिए ग्रीन वाली जो लेंथ है ये क्या है? अलग है। शुरू वहीं से किया, पहुंच वहीं पे गए, बट क्या दोनों ने लेंथ सेम ट्रैवल की क्या? दोनों का लेंथ ट्रैवल क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल क्या है? अलग अलग है। तो इसके लिए हम बोलते हैं डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। कौन सा रास्ता फॉलो किया उससे डिस्टेंस को फर्क पड़ेगा। वहीं पे मैं जब डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज। तो पाथ इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग है? यहां से शुरू किया, यहां पहुंच गया, अब उसने ऐसे ट्रैवल किया, तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस स्ट्रेट लाइन। ट्रैवल उसने भले ही कर्व से किया हो बट फिर भी डिस्प्लेसमेंट विल बी द स्ट्रेट लाइन। क्लियर है क्या? अगर मान लीजिए किसी और का रहा, उसने ऐसे ट्रैवल किया, तब भी डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा, चाहे आप रास्ता पहला वाला या चाहे रास्ता दूसरा वाला लो, चाहे आप ये रास्ता लो चाहे आप ये रास्ता लो, डिस्प्लेसमेंट को किससे फर्क पड़ता है? स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, जहां से शुरू किया यहां खत्म हुआ, तो चाहे वो ये रास्ते से जाए तब भी डिस्प्लेसमेंट यही है, ये रास्ते से घूम के जाए तब भी डिस्प्लेसमेंट यही है। क्लियर है क्या? Yes, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। कॉमन क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहली तो लिखेंगे हम डेफिनेशन, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। क्लियर है क्या? तो ये मेजर तीन पॉइंट्स हो गए डिफरेंशिएट बिटवीन के डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर।
फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इफ इट ट्रैवल्स So find the displacement and distance of a body if it travels 500 meters north. And then turns right and travels another 1200 meters. यहाँ से right turn लिया और travel किया another 1200 meters. तो ये जो है ये start point है, ये जो है ये end point है. ये जो है ये पॉइंट ए है. तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? 1,500 meters. तो डिस्टेंस ट्रैवल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा? 500 मीटर्स प्लस 1200. विच इज 1700 मीटर्स. फिर नेक्स्ट हमको पूछा है डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा? ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है. तो आपको ये समझ रहा है कि ये वाली लेंथ जो है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट. निकलेगी कैसे? पाइथागोरस थ्योरम. तो एस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. SA square is what? Plus AE square is 1200 का square. Plus add किया तो कितना हो गया? 1,690,000. 169,000. तो एस ई क्या हो जाएगा? 169 का स्क्वायर रूट इज 1300 मीटर्स. क्लियर है क्या? Yes, sir. सबको? Yes, sir. तो ये क्या हो गया? हमारा डिस्टेंस हो गया. और ये एस ई क्या हो गया? हमारा डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है सबको? Yes, find the distance traveled and displacement in A part 1 complete round, B part half round.
करिए आप लोग एक बार ट्राई इसको रफ में, बाद में फेयर में नोट कीजिएगा, एक बार करेंगे अपन, पहले रफ में ट्राई कीजिए एक बार। हेलो, कुछ पानी देना ना, मेरे को बॉटल देने से बोला ना आकाश को, इसी को बोल को कैसे होगा? तो पहले पार्ट में तो वन कंप्लीट राउंड बोला है, तो मान लीजिए यहां से शुरू किया उसने भागना, तो ये पूरा भाग के वापस वहीं पे आ गया, तो यही स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा? ये सरकमफेरेंस। जस्ट 2 इंटू पाई इज 22 बाय 7 इंटू रेडियस इज 35। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 7 वन जा 7 फाइव जा 22 टू जा 44 इंटू 5, 44 इंटू 5 इज 220। तो 220 मीटर्स इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्लियर है क्या सबको? व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट? जहां से शुरू किया वापस वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्लियर है क्या? अब जब हाफ राउंड के लिए बात करेंगे, तो यहां से शुरू किया, इतना कवर किया, ये एंड पॉइंट है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। ये वाली लेंथ क्या है मेरा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। ये क्या है? सर्कमफेरेंस का हाफ। तो हाफ इंटू 220। क्लियर है क्या? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज एस ई।
वो कितना हो जाएगा, ये 35, ये भी 35, तो 35 प्लस 35 इज 70. क्लियर है क्या सबको? सेकेंड सी पार्ट बोला है, नेक्स्ट 2.5 rounds. तो 2.5 round में क्या होगा, यहां से शुरू किया पूरा राउंड कवर करके यहां आ गया, फिर ऐसे ही कवर करके वापस यहां आया, फिर हाफ राउंड में ये यहां से यहां पे, तो ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.5 × 220. 2.5 इज व्हाट, 5/2 × 220. 2 × 2 = 210, 110 × 5 = 550 meters. क्लियर है क्या? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में क्या है, कितने राउंड भागे उससे फर्क नहीं पड़ता, शुरू यहां किया खत्म यहां किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये विच इज 2 × 35 विच इज 70 meters. क्लियर है क्या? डी पार्ट. क्वार्टर सर्कल, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है. तो डिस्टेंस क्या हो गया, 1/4 of 220 विच इज 55 meters. तो डिस्टेंस इज 1/4 of 220 विच इज 55 meters. क्लियर है क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऐसी डिस्प्लेसमेंट इज SE विच इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि ये वाला बेस, ये क्या है, ये रेडियस है, तो ये 35, ये भी रेडियस है, तो ये 35. और क्वार्टर सर्कल, इसके लिए ये एंगल क्या है, 90. तो एस ई निकालना है, ऐसे कैसे निकलेगा, SO² + OE² = SE² SE² = SO² इज व्हाट, 35² + OE² = 35² 1225 + 1225 = 2450. तो एस ई जो है वो √2450. इसको आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे ना, तो ये आएगा 25 × 2 × 49. तो 25 का square root 5, 49 का 7 और √2. क्या किया मैंने, एस ई स्क्वायर निकाला, वो क्या होता है, एसओ स्क्वायर, एसओ कितना है 35, प्लस ओई स्क्वायर, ओई भी कितना है 35, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, ओई का स्क्वायर 35, उसका भी स्क्वायर 1225, ऐड किया कितना आ गया 2450. जब आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, आप उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं. आप ये फैक्टराइजेशन आप सीखेंगे, अगर आपको नहीं आता है ऑलरेडी तो मैथ्स में हम पढ़ेंगे, बाकी मैंने फैक्टराइज किया तो ऐसे फैक्टर्स निकले. अब क्या हुआ, ये 25 में 5 का स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट 25 क्या हो गया, 5. स्क्वायर रूट 49 क्या हो गया, 7. और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसके लिए वो स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहा. 7 × 5 = 35 × √2. क्लियर है क्या? Yes, sir. सबको? Yes, sir. नोट कीजिए इसको आप.